हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको गार्लिक ब्रेड बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही इजी है जो मैं घर में सिखा रही हूँ। इसमें हम कोई ईस्ट नहीं डाल रहे, इसमें कोई एग नहीं डाल रहे, एंड इट्स क्वाइट हेल्दी ब्रेड। अब आप देखिए कितनी अच्छी झटपट बनेगी हमारी ये ब्रेड। सबसे पहले तो मैं मैदे को रिप्लेस कर रही हूँ आटे से। मैं ये 1 कप बड़ा आटे का ले रही हूँ, इसमें कोई मैदा नहीं है। एंड उसके बाद ये 3/4 कप है हमारी कर्ड, ये हमारी नेचुरल फर्मेंटेशन के काम आएगी। एंड ये शुगर लिए हमने, एंड ये हमारा है बेकिंग सोडा। ये गार्लिक है जो हमने क्रश करके रखा हुआ है, 8-10 कलियाँ उसको अच्छे से क्रश करके रखी हुई हैं। और ये हमने 8-10 कलियाँ और ली हुई हैं जो हमने बटर में डाल के क्रश करी हैं। इसमें ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स हैं। ये हम जब हमारी ब्रेड हाफ बेक हो जाएगी तो उसके ऊपर डालेंगे गार्निश करने के लिए। एंड ये हमने रिफाइंड ऑयल लिया है 1/4 कप। आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, कोई भी ऑयल जो आपके किचन में है आप उसको ले सकते हैं। ये चिली फ्लेक्स हैं जो हम अपनी ब्रेड के बीच में डालेंगे। ये बेकिंग सोडा है, एंड दिस इज़ ऑरिगेनो, ये भी हम ब्रेड के बीच में डालेंगे। एंड दिस इज़ सॉल्ट, ये भी हम ब्रेड में डालेंगे। एंड दिस इज़ विनेगर, विनेगर हम डालते हैं जिससे हमारा सोडा एंड बेकिंग पाउडर जो है उसको और ज़्यादा फर्मेंट करता है, जल्दी फर्मेंट करता है। एंड जो हमारा मिक्सिंग करने के लिए हम ये लिक्विड सोडा यूज़ करेंगे, इससे हमारे ब्रेड में बहुत अच्छी फ्लफीनेस एंड गुईनेस आएगी। नाउ लेट्स सी कि हमने अब ब्रेड कैसे बनानी है। सबसे पहले हम ये कर्ड लेंगे जो हमारी नेचुरल फर्मेंटेशन है। जैसे हम कई बार घर में वो बनाते हैं, अपने भटूरे बनाते हैं तो उसमें हम दही सोडा डाल के करते हैं, उसी तरीके से ये हमने दही लिया हुआ है। इसमें हम डालेंगे ये 1 टीस्पून भर के डालेंगे हम ये सोडे का, खाने वाला सोडा है। एंड इसके साथ ही हम डालेंगे ये शुगर। शुगर एंड सोडा जो है दोनों मिलके एक ईस्ट की तरह से हमारी ब्रेड को फर्मेंट करेगा। हमने 1 टीस्पून सोडा डाला है तो उसमें हम 1 टीस्पून ही शुगर डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको हम, जैसे हम ईस्ट को फर्मेंट करने के लिए छोड़ते हैं, हम इसको 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए कैसे फर्मेंट हो रहा है। अब हम ये अपना बोल लेंगे। बोल में सबसे पहले हमने जो ये आटा लिया हुआ है अपना, इसको डालेंगे हम अपना, इसमें हमने बोल में डाल लेना है पूरे आटे को। और ये हमारा देखिए कितना अच्छा फर्मेंट हो गया है, इसको हम सीधे अपने इस आटे में डाल देंगे। इसको सारा खाली कर लेंगे हम इसके अंदर। जब तक हम इसमें सॉल्ट नहीं डालेंगे ये फर्मेंट होता रहेगा, इसलिए हम सबसे एंड में इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। ये अब हमने इसमें डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा बीच में ऐसे मिक्स करके एक वेल बना लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम ये अपना रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। जब ये अच्छे से हमारा मिक्स हो जाएगा, अब इसमें हम डालेंगे ये गार्लिक जो हमने क्रश करके रखा हुआ है, सारा डाल देंगे इसमें। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो आप विदाउट गार्लिक भी इसको बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और अब हम ये डालेंगे विनेगर। इससे हमारे जो बेकिंग सोडा है एंड बेकिंग पाउडर है बहुत अच्छे से एक्टिवेट होता है और जल्दी हमारी ब्रेड को फर्मेंट करेगा। ये ऑलमोस्ट हम 1 टीस्पून, ये देखिए किस तरीके से ये झाग बन गया है इसके अंदर। अब इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हम ऑरिगेनो, ऑलमोस्ट 1 टीस्पून ऑरिगेनो डालेंगे इसमें। एंड थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे ये चिली फ्लेक्स। अभी तक हमने इसमें सॉल्ट नहीं डाला है। अब हम इस सोडे से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए किस तरीके से एकदम से फूल गया है। बस इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग जैसे हमारी जब कंसिस्टेंसी, जैसे हम केक का बैटर तैयार करते हैं उस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। हमारा बैटर फ्लोई होना चाहिए जिससे प्रॉपरली वो फ्लो होके एंड प्रॉपरली बेक होए। लुक एट दिस, ये हमारा ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे बैटर की, जैसे हमारे केक का बैटर होता है। देख, नाउ एट द एंड हम लोग इस पर थोड़ा सा सॉल्ट डालते हैं। सॉल्ट डालने से हमारी जो फर्मेंटेशन है वो अब स्टॉप हो जाएगी। अब हम ये, हमने एक टिन लोफ लिया हुआ है ब्रेड का, इसको ग्रीस करा हुआ है, इसको इसमें हम पोर कर देंगे।
इसको टैप करेंगे। इस तरीके से ही हमारा बैटर तैयार है। हमारा ओवन ऑन है, इसको हम 30-40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। हाफ बेक जब हमारा ब्रेड हो जाएगा तब हम ये अपना जो हमने बटर में गार्लिक एंड ओरिगैनो चिल्ली फ्लेक्स डाले हुए ये हम इसके ऊपर से इसको डाल देंगे। अब हम इसको बेक करने जा रहे हैं। इसको कन्वेक्शन पे बेक करेंगे 40 मिनट्स के लिए। जो हमने ब्रेड बेक करने के रखी थी ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स हो गए हैं, उसके बाद हम ये डाल देंगे बीच में, जिससे जो बटर मेल्ट हो जाएगा एंड बहुत अच्छा ग्लेज आ जाएगा हमारी ब्रेड के ऊपर। नाउ लेट्स सी कि हमने कैसे डालना है इसको। ये देखिए जो फूल गई है काफ़ी हमारी ब्रेड, बट अभी ये हाफ कुक है। इसके ऊपर हम इस तरीके से इसको स्प्रेड कर देंगे लाइक दिस। ये देखिए ये सारा गार्लिक का फ्लेवर एंड बटर से हमारी ग्लेजिंग हो जाएगी इसकी। जितना भी गार्लिक हमने डाला है इसके ऊपर सारा इसके ऊपर फ्लेवर आ जाएगा इस ब्रेड के ऊपर। हाँ ये अब हम इसको वापस से बेक करने रखेंगे 10 मिनट्स के लिए। ब्रेड बेक करने रखी थी 40 मिनट्स उसको हो गए हैं, अब हम उसको निकालने लगे हैं। लेट्स सी हमारी ब्रेड कैसे बेक हुई है। लुक एट दिस, ये देखिए कितनी अच्छी हमारी ब्रेड बेक हो गई है। कैन यू गेस कि ये हमारी घर में ब्रेड बेक हो सकती है विदाउट ईस्ट विदाउट एग एंड आटे की गार्लिक ब्रेड। देखिए अभी थोड़ी देर ठंडी हो जाएगी फिर हम इसको डीमोल्ड करके स्लाइसेस करेंगे। स्लाइस करने के बाद आप जैसे भी आप खाना चाहें इसको, आप मेयोनीज में जैसे सपोज सब्जियां ब्रिक ब्रिक काट के वो लगा सकते हैं, जैसे मैं अभी बताऊंगी मैंने तैयार करके रखा हुआ मिक्सचर, एंड बटर लगा सकते हैं, कोई और भी चीज़ वगैरह जो आप लगाना चाहें, किसी तरीके से भी आप खाना चाहें, आप बेक वेज के साथ या कोई चिली वेजिटेबल के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं और खा सकते हैं। खाइए हेल्दी ब्रेड एंड बनाइए।